वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। फ्रेंड, ये जो बास्केट देख रहे हैं, इसको टांगना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है बास्केट में प्लांट्स लगाना, और वो जब हैंग करते हैं नीचे की तरफ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बास्केट टांगने के जो हुक्स होते हैं वो मैं बताऊंगी, और वो हम बाज़ार से लेके आते हैं, मैं भी लेके आई थी, और बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, बहुत ही आसानी से हुक बना सकते हैं और हम इस तरह से अपनी बास्केट को टांग सकते हैं। एक बास्केट टांगी है तो उसके साथ साथ हम कई बास्केट को टांग सकते हैं हुक की सहायता से। इस तरह से हम घर में हुक बनाना सीखेंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हुक बनाना बताऊंगी कि हम बास्केट टांगने का हुक किस तरह से बनाएं, और बाज़ार से हम ना लेके अपने घर पर ही हुक बना लें। और बास्केट बनाना देखते हैं हम हुक किस तरह बनाते हैं जो बास्केट को हम टांग सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वायर जो ये हार्डवेयर शॉप पे मिल जाती है, एल्यूमिनियम की ये वायर है, और ये हमें 5 रुपये पर मीटर मिली है। तो ये मुझे 5 रुपये की 1 मीटर मिली है। और इसके बाद हमें चाहिए प्लास। हमें 2 चीज़ ही इस्तेमाल करनी है और कुछ नहीं करनी है। और इसके लिए हम तार को काटेंगे, जैसे ये हमारा हुक है, तो हमें इसी तरह से हुक बनाना है। और अपने हिसाब से आपको छोटा बड़ा बना लेना है, जितना भी आपको तार चाहिए है, आपको हुक बनाना है, उसी हिसाब से आप तार ले लीजिए। और इसको फिर इस तरह से हम काटेंगे, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से कट जाता है। ये देखिए बहुत ही जल्दी से कट गया है। और इसको फिर हम क्या करेंगे, हमें एस की शेप देनी है, एस, जिस तरह से हम एस बनाते हैं ना, उस तरह से हमें एस बनाना है। और ये हमने एक तरफ से इसको मोड़ दिया है इधर से, और अब हम दूसरी तरफ से मोड़ेंगे इसको इस तरह से। जो ये हमारे पास है, हमें एस की शेप बनाना है, एस। तो ये अब हम यहाँ से इसी तरह से अब हम यहाँ से इसको मोड़ देंगे ऐसे, और ये हमारा हुक हो गया है तैयार। इस तरह से हमें हुक बनाना है। आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, और इसमें बास्केट बहुत ही आराम से टंगेगी। मैंने भी इसमें हैंग कर रखी है। अगर आपको लगता है कि हमारी बास्केट भारी है, हल्की नहीं है, तो आप डबल कर सकती है, डबल कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ये इस तार को डबल किया हुआ है, मैंने 2 तार इसमें लपेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये 2 तार है, और 2 तार इसको लपेट के इस तरह से प्लास की सहायता से ही लपेट के, और इसको मैंने फिर ये वाला शेप दे दिया है। तो आप कोई भी बास्केट टांग सकते हैं, और मैं आपको टांग के भी दिखाती हूँ बास्केट। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से बन जाता है। और हमारे हुक की प्राइस क्या है, ये वाले हुक की प्राइस पता है क्या है, 10 रुपये का मुझे एक पड़ा है। ये हुक 10 रुपये का एक है, और इससे थोड़ा मोटा था, वो वाला 20 रुपये का एक था। तो मैंने सोचा कि बहुत महंगा है और मुझे इतने मोटे चाहिए भी नहीं, वो सरिये से बने हुए थे, और ये थोड़ा है लोहे का ही, लेकिन ये थोड़ा हल्का था, और जो मैं 20 रुपये का दे रहा था मुझे वो ज़्यादा भारी था, तो मैंने ये लिया। मुझे 10 रुपये का एक पड़ा है ये, और ये आप देख सकते हैं ये 25 रुपये की पूरी वायर मिली है मुझे। ये पूरी 25 रुपये की वायर है, और ये हमें हुक कितने का पड़ गया है, 2-3 रुपये का हमारा हुक पड़ गया है ये। और इससे बास्केट कहीं भी नहीं जाने वाली है। अगर आपको लगता है कि हमारी बास्केट हैवी है, तो आप ये डबल वाला हुक बना सकते हैं। अगर आपको लगता है हल्की है बास्केट, इससे भी हैंग हो जाती है, कोई वज़न कितना भी आप वज़न टांगेंगे तो ये होल्ड कर सकता है ये वाला हुक भी, क्योंकि मैंने इसी में टांगा है, डबल तो मैंने नहीं टांगा है, लेकिन डबल मैंने बताया है। इसलिए अगर आपकी बास्केट थोड़ी हैवी है, आपको लग रहा है कि बास्केट गिर ना जाए, तो आप ये वाला डबल बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए बास्केट को टांग के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से ये हुक टांगा हुआ है, और हमें मैं पहले आपको सिंगल वाला टांग के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये सिंगल वाला, इस तरह से हमने फंसा देना है इसको, और ये जो बास्केट है इसको निकालें, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको टांग सकते हैं, और आप देख सकते हैं बास्केट टंगी हुई है ये। तो जितने भी हुक है, ये वाले तो मेरे पास मैं ले आई थी, तो मैंने यही टांगे हुए हैं, और अब मैं इससे हैंग कर रही हूँ, तो ये कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आपको लगता है कि हमारी बास्केट भारी है, तो ये वाला टांग दीजिए आप दूसरे वाला, और इसको टांग के यहाँ पे इस तरह से फंसा दीजिए। तो ये हमारी बास्केट फिर से हैंग हो गई है। कोई भी आप बास्केट टांगिए, इस तरह से हुक बनाइए। ये मेरे पहले वाले हुक है जो मैं बाज़ार से लेके आई थी,
और अब मैं इस तरह से बना रही, तो आप इस तरह से घर पे बनाइए, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से और कम खर्च में बनने वाली है ये हुक। तो आप इस तरह से बनाइए और बास्केट को कीजिए हैंग। और मैं अभी, मेरे पास ये हुक नहीं है तो मैं इसमें टांगूंगी, ये मैंने और के लिए बनाया है, भी हैंग किया हुआ। ये देखिए आप, इस तरह से हुक लगाया हुआ है और ये कितना हैवी है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है ये, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसलिए इसको टांगा हुआ है। तो कोई गिरने का भी डर नहीं है अगर हम ये वाले हुक लगाते हैं। तो आप इस तरह से बेझिझक से अपने घर पे आसानी से बनाइए, कम खर्च में बनाइए और बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अपने ये हुक बनाइए और सारी बास्केट को हैंग कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।